गाइस यहाँ पे टिकट काउंटर दिया हुआ है, यहाँ पे पर पर्सन 30 रुपीस लगते हैं और ये एंट्री गेट है, आप लोग देख सकते हो। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आपको दिखाने आया हूँ सेकेंड टाइम पुरखौतिक मुक्तांगन। आगे बने रहिए मेरे साथ में, मैं दिखाने वाली हूँ आपको पूरा पुरखौतिक मुक्तांगन, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी बनी हुई है, और देखते हैं आगे। जैसा इसका नाम है वैसी यहाँ पे जगह बना हुआ है, यहाँ पे सारी पुरखौती की चीज़ें बनी हुई है जैसे मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगे। आगे बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। सो आप लोग देख रहे हो गाइस, यहाँ आदिवासी बस्तर में जैसे आदिवासी लोग सुअर को मारते हैं, ऐसे टाइप का कुछ बना हुआ है जिसमें धनुष, लकड़ी और तलवार पकड़े हुए आदिवासी लोग कुछ एक सुअर को मार रहे हैं, इसमें ऐसा दिखाया गया है। तो यहाँ हम लोग आगे इंटर कर चुके हैं गाइस, और ये है डंडा मियां पथ, और यहाँ पे कुछ स्टैचू बने हुए हैं, इसमें देखिए गाइस। तो गाइस हम लोग आ गए हैं पुरखौतिक मुक्तांगन के सेंटर वाले एरिया पे, और ये है मुक्तांगन का एकदम सेंटर वाला एरिया जहाँ पे कुछ स्तंभ बने हुए हैं, और यहाँ पे ये संग्रहालय है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस गांव देखने कि गांव में कैसा क्या चीज़ें होती है, किस टाइप की घर बने होते हैं, क्या क्या होते हैं गांव में। चलिए दिखाते हैं आगे आपको। और गाइस अभी हम लोग एंटर करेंगे सिंह देवड़ी, जगदलपुर के राजमहल का एक सिंह देवड़ी करके कुछ जगह है, वहाँ ऐसा जगह बना हुआ है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है कि किस टाइप का जगह बना है। तो आगे देखते हैं किस टाइप का जगह बना हुआ है वहाँ पे सिंह देवड़ी में। ये है एंट्री, और गाइस अभी मैं दिखाने वाली हूँ गांव का एक घर जिसमें जो यहाँ पे बना हुआ है आवास गृह करके, देख सकते हो आप लोग बोर्ड में, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। घर बना हुआ है छोटा सा आवास गृह है जिसमें स्टार्टिंग में चबूतरा टाइप का बना हुआ है बैठने के लिए, और ये आवास गृह है गाइस, यहाँ ताला लगा हुआ है, फिलहाल अभी हम लोग इंटर नहीं कर सकते हैं। और ये है सीढ़ियों वाला छोटा सा बच्चों के खेलने के लिए घर बना हुआ है। गाइस यहाँ का माहौल देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं गांव में हूँ, और मुझे जैसे मैं बता दूँ आपको कि गांव वाला एरिया मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आई होप कि आप लोग अगर कोई शहर में रहते हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता होगा और गाड़ी मोटरों की आवाज़ आती होगी, और यहाँ पे देखिए एकदम शांत वाला माहौल लग रहा है, शांत एरिया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और अगर आप कभी फ्री होते हो, रायपुर से हो या फिर और कहीं जगह से हो, तो आराम से यहाँ घूमने आ सकते हो, बहुत अच्छी जगह है ये। देखो गाइस यहाँ पे ये बना हुआ है जात्रा गुड़ी करके, और गांव में लगभग सारे गांव में तो नहीं पर कुछ कुछ गांव में बना हुआ होता है ये, देखिए जात्रा गुड़ी करके बना हुआ है इसमें। ये है घनासार, घनासार मतलब मेरे को पता नहीं है पर देख लीजिए आप, सामने से दिखाते हैं क्या है घनासार, आइए दिखाते हैं आपको। घनासार मतलब ये है गाइस जो पहले बुजुर्ग लोग और बड़े लोग बनाते थे, लोहे के कुछ कुछ बनाया जाता था, लोहा को ठोक पीट के कुछ कुछ बनाया जाता था, वो बनाने के बारे में बताया गया यहाँ पर गाइस। और इससे आगे में है माता गुड़ी,
खुफिया वाला मंदिर है जहाँ से मैंने अभी बाहर दिखाया, और यहाँ मंदिर बना हुआ है पर अंदर में कुछ है नहीं। आगे जाने में मेरे को डर लग रहा है, मैं बाहर निकल रही हूँ। खाली मंदिर। अभी हम लोग चढ़ाई करने वाले हैं ऊपर। चलो 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 चलो। पीछे कौन है? ये मेरी बहन है तो कुछ बोल रहा है। आई लव यू। क्या यार, पोलंग मट्ठा, पोलंग मट्ठा जनजातीय देवी देवताओं का विश्वास। गाइस यहां से सीढ़ी बना हुआ है ऊपर थोड़ा सा चढ़ाई करने के लिए, तो चलिए देखते हैं ऊपर में है क्या चीज। पर हम लोग चढ़ रहे हैं अभी। भाई सामने जा। फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या क्या बना हुआ है। यहाँ पे बना हुआ है जंगल टाइप का, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा घना घना लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। लोग यहाँ घूम घूम के जा रहे हैं। यहाँ ऊपर एरिया में गणेश जी बैठाए हुए हैं, जो जहाँ कोई जाता तो है नहीं पर हम लोग भी नहीं जाएंगे। और ऊपर से दिख रहा है अच्छा खासा एरिया नीचे। यहाँ पे देखिए सुआ नृत्य दिखाया गया है, जो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जो दीपावली टाइम में कुछ लड़कियाँ साड़ी पहन के डांस करने जाते हैं उसको सुआ नृत्य बोलते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। गाइस ये मान्यतला जनजाति के जनजातीय मुखौटे हैं, जैसे फेस मुखौटे होते हैं वैसे टाइप के फेस बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे फेसेस आप लोग देख सकते हो। मेरे पीछे देखिए बहुत सारे फेस मुखौटे बने हुए हैं रेड एंड वाइट कलर में, जो अच्छे लग रहे हैं। जैसे एक टाइप से हमारे फ़ोन्स में इमोजी होते हैं उसी टाइप के लग रहे हैं ये, अलग अलग टाइप के फेस इमोजी ऐसे। भौतिक मुक्तांगन, और आई होप कि आप लोग मेरे साथ घूम चुके होंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा, पुरकौतिक मुक्तांगन कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके okay?